ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/2022। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है, पतित पने का एक अंश भी समाप्त करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? शिव बाबा जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर, ज्ञान का और भक्ति का तराजू। एक तरफ ज्ञान का तराजू और एक तरफ भक्ति का तराजू, जिसमें एक पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है, अभी ज्ञान बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं है बाबा का। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है, भक्ति का भारी है। भक्त बहुत है, भक्ति बहुत करते हैं दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का हल्का है पलड़ा और भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पलड़ा होगा, वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं। सतयुग में एक ही पलड़ा होगा, वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं। वहाँ तो सब 16 कला संपन्न आत्माएं होंगी, तो वहाँ पे तो किसी को अज्ञान होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ये जीवन बाबा की सेवा में लगानी है, ये जीवन बाबा की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है, सबको सुख देने वाला बनना है। कोई उल्टा सुलटा बोले तो शांत रहना है, कोई अगर कुछ भी उल्टा सुलटा बोले तो शांत रहना है। बाबा के समान सबके दुख दूर करने हैं। जितना बाबा कहते हैं सहनशील बनेंगे, उतना बाबा के दिल पे राज करेंगे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कोई उल्टा सुलटा बोले तो शांत रहना है। बाबा के समान, जैसे शिव बाबा सबके दुख दूर करते हैं, ऐसे आप सब बच्चों को भी बाबा के समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, अपनी रजिस्टर की जांच करनी है, अपना रजिस्टर देखना है, चेक करना है, हमके में कोई अवगुण तो नहीं है, किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। पांचों विकारों में से कौन सा गुण हमको अभी हमारे ऊपर भारी है, तो उसको हमें कम करना है। तो अपने रजिस्टर की जाँच करनी है, 100 की जाँच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, दैवी गुण धारण कर कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है आज की मुरली से, 100 दर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। संगम युग पर स्वयं बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। इस संगम युग पर, ये संगम कब होता है? जब कलयुग अंत और सतयुग शुरुआत का जो बीच का 100 वर्ष का समय है, उसको बाबा संगम युग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर, इस संगम पर जब सतयुग शुरू होने वाला है, कलयुग अंत में है, संगम युग पर स्वयं बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स की स्मृति में रहो तो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं 100 दर्शन चक्रधारी हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शक्ति स्वरूप आत्मा हो, तो बाबा ऐसे ऐसे टाइटल्स बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी स्मृति में रहोगे तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसा स्थिति हो, जैसे टाइटल है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे ही शांति की स्थिति हो। सिर्फ मुख से वर्णन ना हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति अंदर से भी स्थिति हो, शांति की स्थिति में स्थित होना है। यदि 100 दर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो पर दर्शन चल नहीं सकता। यदि अपना अपना 100 दर्शन चक्रधारी का टाइटल अगर आपकी स्मृति में रहता है तो दूसरे का दर्शन माना कोई पर दर्शन चल नहीं सकता। 100 दर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, 100 दर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। 100 दर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है आज की मुरली से, बानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो
और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, मस्तक में विराजमान, चारों ओर से ध्यान केंद्रित करती हूँ अपने मस्तक की ओर। देखिए मुझ आत्मा से प्रकाश, शांति का, सुख का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। मस्तक से निकलते हुए लाइट को देखें। शांति का प्रकाश धीरे धीरे मेरे पूरे देह में, और चारों ओर फैलने लगा। धीरे धीरे संसार का कण कण सुख और शांति से भरपूर हो गया। मैं आत्मा, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर परम धाम में स्थित। मैं आत्मा परम धाम से बाबा से संपूर्ण पवित्रता का वर्षा ले। मैं आत्मा सत्युग की ओर बढ़ती, सत्युग में त्रेता में 21 जन्म सुख भोग में आत्मा द्वापर में स्वयं को मंदिरों में देखती। एक भव्य विशाल मूर्ति के रूप में अब मैं आत्मा स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप में देखती। संगम का वो पावन समय जब परमात्मा शिव ने हमें चुना, हमें अपना बनाया, संपूर्ण पवित्र वन में फन गया पूरी तरह से फरिश्ता। फरिश्ता स्वरूप में स्थित मैं आत्मा पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म बतन में। बाबा से वरदान लेते हुए, दृष्टि लेते हुए पुनः अपने देह में, यही हमारा स्वदर्शन चक्र है। इसे ही हमें बार बार फिराना है, जिससे बाबा ने कहा माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।